मेरा भगवान आप है, भगवान आप ही सारे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशाहिद खान, इस वक्त फिर से मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उसी हॉस्पिटल में जिसका नाम गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, जो कैंसर डिपार्टमेंट है। और अभी हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं हमारे भाई जिनका नाम श्याम बहादुर सिंह है, और हम कुछ मदद कर रहे थे तो वो हमारी गाड़ी के पास आए। बहुत ज़्यादा हमें लगा मजबूर है, इनकी हम बात सुनेंगे। क्या श्याम बहादुर सिंह सर? श्याम बहादुर नाम है आपका? बहुत लाचार है साहब, हम बहुत लाचार हैं। कोई सारा नहीं, लड़का है तो वही बेचारा करता है, वो भी आता चल जाता है। खाली मियाँ बीबी हम लोग हैं सर, मियाँ बीबी खाती है हम लोग। तो बनारस से आप दिल्ली रहते हो या दिल बनारस से आते हो? जी नहीं, बनारस से मैं आया हूँ, 8-9 महीना हुआ सर मुझे आया यहाँ। अच्छा, यहीं पर आ गया सर, तो लड़की यहीं ब्याह किए हैं संगम बिहार में सर, और हम यहाँ जांगीपुरी की तरफ किराए का रूम लिए हुए वही जी वहीं रहते हैं सर। 3,000 कहाँ से देंगे, कहाँ से दवा कर देंगे, कहाँ से ये है, कहाँ से वो, कहाँ से देंगे, कहाँ कमाई ना, हम ही करने वाले थे, भूख मरी का शिकार हुए हम लोग। बीमारी अलग से, औरत अलग से, फूली हुई गुब्बारा का तेरे भी। वो क्या बीमारी है? उन्हीं को जो शरीर फूल गया सर उनका। आपको क्या, राम बहादुर जी क्या परेशानी है आपको? आपको सर ऑपरेशन हुआ है पंत में सर, ये हो गया है, अब जो है सिकाई चल रहा है सर। दिखाइए क्या, ये पेट दिखाइए अपना, ये अच्छा ऑपरेशन, बस ये ऑपरेशन पंत में हुआ है। तो ये हाथ ही निकल गया आपके बाहर? हाथ निकल हुआ है और गांठ का शिकायत है सर, ये ज्यादा, ये जो गांठ है ये बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अच्छा। ये फैलते जा रहा है और कीमो में, जो कीमो चढ़ा है सर, हमको 5 कीमो चढ़ चुका है सर। ये पीछे कैंसर है आपका? जी हाँ, गांठ वाला है सर। अच्छा, और वही तो ये इसके लाइटिंग तो हो नहीं रहा था सर, तो ये ऑपरेशन किए हैं सुधीर सर, पंथ वाले। राम बहादुर जी, घर का खर्चा कैसे चल रहा है? कुछ नहीं सर, हम लोग ऐसे मांग मांग के खा रहे सर, हम लोग किससे, आप लोग से कहेंगे, उससे कहेंगे, जो दे देते वही हम लोग जा रहा है सर, किससे खाने जाए। लड़का आता है थोड़ा खर्चा पानी था, वो भी बैठा है लड़का भी, बहुत दिक्कत है सर, हम लोग बहुत परेशान है सर। बेटा क्या करता है आपका? बेटा इसे कहीं मिल गया मजदूरी कर लेता है सर। अच्छा, अभी आपके अगर जेब में कितना पैसा है? कुछ नहीं सर, हम लोग को कुछ नहीं सर, हम लोग को पैसे वैसे कुछ नहीं, देख सकते सर आप, हम झूठ नहीं बोले सर, पता कर लीजिए, हमारा आधार है, पता कर लीजिए सब, ये चल रहा है सर। आप हॉस्पिटल में खड़े हो और आपके पास एक भी पैसा नहीं है? जी नहीं, दवा लेना है, ये जैसे सेकने वाला बोले सर, बोले कि सेकने वाला दवा आएगा वो लेना है, और जो दर्द उरा था बंडल रूई के लिए कहाँ से हम लिया हम पैसा, ये सब चीज़ कहाँ से आएगा सर? यकीन है ऊपर वाले पे, भगवान पे, अल्लाह पे यकीन रखते हो? आप ऊपर तो आइए सर, आप लोग से पढ़ के हम किसको बोले, हम आपको दुख गाएगा तो आप लोग के सामने न गाएंगे, पुकार कहाँ सुन रहे हैं। मैं तो आप ही को ना भगवान समझूंगा। उसी वही तो सुनो, ऊपर वाले ही तो भेजता है ना किसी को, हम तो इंसान है, नहीं नहीं सुनिए, हम तो इंसान है ना, ऊपर वाला किसी को थोड़े भेजता है, ऊपर वाले ही तो भेजता है ना किसी को। रोइए नहीं, रोइए नहीं, देखो यकीन करिए ऊपर वाला सबके साथ में, परेशान ना होइए, ठीक है ना? लीजिए, नहीं नहीं सुनिए, पैर नहीं, पैर नहीं, मैं बेटा समझ, बेटा समझ के हूँ। ये 5,000 रुपये रखिए आप, 5,000 रुपये रखिए, और इस 5,000 से नहीं, सुनो मैं बेटा हूँ, पैर नहीं छूना, बेटे का आपको पैर छूता है कोई? नहीं छूता ना, नहीं छूता ना पैर, तो परेशान ना हो, मैं बेटा हूँ ना आपका, तो एक बेटा अपने बाप को कभी परेशान देख सकता है? नहीं बाबू, नहीं देखते ना। मेरा नाम मुशाहिद खान है, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुशाहिद खान से, मुशाहिद खान हो या रवि हो, ठीक है ना, इंसानियत के लिए काम करना है, ठीक है ना। आप मुझे परेशान दिखे इसलिए मुझे आपकी, आप परेशान मत होइए, हमारे भगवान, नहीं नहीं मेरा भगवान आप है, भगवान आप सारे, नहीं इंसान 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 के काम आता है, भगवान ऊपर ऊपर वाला नहीं आता ना काम करने के लिए, भेज दिया ना सर, आप तो हमारा भगवान, आप ही ना हमको देख रहे। जी जी, चलिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना,
जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगा सर, कैसे हम कहाँ खोजेंगे आपको सर, कोई प्रूफ दे देते कि तो हम आपके शरण में कहीं। अब जैसे अब मिले हैं ना, ऐसे फिर मिलेंगे, ऊपर वाला फिर मिलाएगा। ऊपर वाला जो वो रब है ना, वो अपने दिलों के हाल जानते हैं अपने अपने बंदे के, है ना। आपको यकीन था कोई आएगा बाहर से आपको 5,000 रुपए देके चला जाएगा। मेरा मकसद यही है दिखाने का कि ऐसे लोग हैं जमाने में जिनको आपकी जरूरत है। ये वो लोग हैं, इस वक्त ये अस्पताल में थे, लेकिन इनके पास में, सही बोलूं, जहर खाने के लिए 10 रुपए नहीं इनके पास थे। और ऐसी स्थिति में जब इनकी कोई 5,000 से मदद कर दे तो इनके लिए तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। मदद कीजिए भाई, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हिंदू मुस्लिम के, ऐसे लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि इन लोगों की दुआ अगर लगेगी ना तो आपका बेड़ा पार कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।